All right, in this video we are going to discuss its O-level maths 4024 sets complicated questions. Sare different question sets ke hum is video mein discuss karenge. So first question is from November 2011 paper 1-2. Yahan par sets aapka connect hokar aa raha hai graph ke saath. We are going to attempt only the second part that includes the concept of sets. It says P, X, Y, X and Y are integers. I mean integers kya hote hain? Wo numbers jo aapke decimals mein nahi hote, lies inside the triangle. Inside the triangle मतलब ये हुआ कि अब जो ये triangle के अंदर वाला part है हम सिर्फ इसको cater करेंगे और हम lines जो हैं हमारे पास उसको हम cater नहीं करेंगे. ये मतलब हुआ inside the triangle. Q आपके बारे में आपके पास आया है 7, y that is an integer. Find the member of the set P that is closest to the point C. अच्छा P के बारे में उसने क्या कहा है कि P आपके पास होगा x, y और ये इंटीजर हो सकता है जो कि ट्राइंगल के अंदर हो. तो मैं एक काम ही करता हूँ, पहले मैं अपने पास पी को ज़रा मार्क करता हूँ ग्राफ पर. तो ये जो रेड से मार्क कर रहा हूँ ये सारे पी के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं कि इंटीजर है. ये 4, 4 आ गया, ये 4, 2 आ गया, ये 6, 2 आ गया, ये 6, 4 आ गया, 6, 6 आ गया एंड ये आ गया मेरे पास 8, 4. क्या सिर्फ यही पी होगा? तो इसका आंसर है नहीं. क्यों भाई? अगर आप अपने ग्राफ के वाई एक्सिस और एक्सिस को देखें, एक्स को देखते हैं तो ये 4 और 6 आ रहा है. इसका मतलब है यहाँ पर एक इंटीजर कोऑर्डिनेट 5 भी तो होगा. 6 और 8 आ रहा है तो 7 भी होगा, 8 और 10 आ रहा है तो 9 भी होगा. और यही चीज़ आपको अपने पास वाई एक्सिस पे भी नज़र आएगी. 2 और 4 है तो 3 बीच में होगा, 4 और 6 है तो 5 बीच में होगा, 6 और 8 है तो 7 बीच में होगा, 8 और 10 है तो 9 भी बीच में होगा. तो अब आपके इंटीजर कोऑर्डिनेट्स इस ट्राइंगल के अंदर बढ़ जाएंगे. कैसे बढ़ जाएंगे भाई? अब देखते हैं. अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर ये 7 है तो 7 के साथ 3, ये भी इंटीजर कोऑर्डिनेट है मेरे पास. 7 के साथ 5, ये भी इंटीजर कोऑर्डिनेट है. बल्कि जो छुपे हुए इंटीजर कोऑर्डिनेट हैं इनका हम कलर चेंज करते हैं, इसको मैं ऑरेंज से कर लेता हूँ, ठीक है. तो 7, 3 ये भी इंटीजर कोऑर्डिनेट होगा, 7, 5 ये भी इंटीजर आएगा, 5, 2 भी इंटीजर है, 5, 3 भी इंटीजर है, 5, 4 भी इंटीजर है, 5, 5 भी इंटीजर है, 5, 6 भी इंटीजर है, 5, 7 भी इंटीजर है. 4 के साथ देखेंगे तो 4, 3 भी इंटीजर, 4, 5 भी इंटीजर, 4, 7 भी इंटीजर, 3 के साथ 2 भी इंटीजर, 3 भी इंटीजर, 4 भी इंटीजर, 5, 6, 7, 8 एंड 9. तो ये सारे मेरे पास P के पॉसिबल आंसर्स होंगे जो भी मैंने हाईलाइट किए हैं, ठीक है, जो मैंने अभी मार्क किए हैं. अब मैं आता हूँ आपके पास किसके ऊपर भाई, पॉइंट C. अब C के बारे में उसने कहा हुआ है फाइंड द मेंबर ऑफ द सेट P दैट इज क्लोजेस्ट टू पॉइंट C, ठीक है जी. अब P तो बहुत सारे हो सकते हैं. अब P C के करीब कौन सा पॉइंट है हमें ये देखना है. तो एक पॉइंट है मेरे पास ये 8, 3 आ सकता है, ठीक है ना, और एक आ सकता है मेरे पास 9, 3. तो वो पॉइंट जो सबसे ज़्यादा C से नियरेस्ट नज़र आ रहा है दैट इज़ 9, 3. तो पहले का आंसर तो मेरे पास आ जाएगा 9, 3. तो आ गया भाई पहले पार्ट का आंसर 9, 3. अब दूसरे पार्ट में आपसे कह रहे हैं P इंटरसेक्शन Q. अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें Q को फाइनलाइज करना पड़ेगा. Q के बारे में आपको कहा हुआ है 7, y. इसका मतलब X एक्सिस तो इसका फिक्स हो चुका है दैट इट इज 7, लेकिन Y एक्सिस फिक्स नहीं है. तो Q के पॉसिबल आंसर्स क्या होंगे मैं उनको ग्रीन वो करता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं उनको ब्लू सर्कल कर रहा हूँ डायग्राम में. तो Q का पॉसिबल आंसर ये भी हो सकता है, Q का पॉसिबल आंसर ये 7, 4 भी हो सकता है और 7, 5 भी हो सकता है. ये पॉसिबल आंसर है मेरे पास Q के. और तो कोई Q नहीं हो सकता मेरे पास, नहीं, एक और भी हो सकता है दैट इज 7, 2. ये भी तो Q हो सकता है. तो अब मुझे वो पॉइंट मार्क करने हैं जो P और Q दोनों के पास हों. तो भाई P के पास तो ये सारे ही हैं, तो जो P और Q के पास दोनों के पास होंगे वो ये मार्क्ड पॉइंट्स होंगे एंड दे आर 4. तो ऐसे 4 पॉइंट्स हैं जो P और Q शेयर कर रहे हैं. सो द आंसर इज 4. राइट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. ये दूसरा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैंने उठाया है सेट्स का. ऑल राइट, देखते हैं. इट्स नवंबर 2014 पेपर 1-1 क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट बी. इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 30 प्ले क्रिकेट, 38 प्ले फुटबॉल एंड 9 प्ले नीदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल. फाइंड द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप. लोवेस्ट पॉसिबल नंबर आपको ढूंढने के यार ग्रुप में कितने होंगे. ऑल राइट, अब मैं आपसे कहूं कि यार एक वेंडाग्राम बनाते हैं हम, ठीक है. तो जितने लोग मेरे पास फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल
वो हैं मेरे पास 38, ठीक है, ऐसा गिवन है आपको। जितने लोग क्रिकेट खेल रहे हैं वो मेरे पास हैं 30। तो मैंने इसको यहाँ पर सबसेट का कॉन्सेप्ट दिया कि जो क्रिकेट खेल रहे हैं मेरे पास वो 30 हैं, जो फुटबॉल खेल रहे हैं वो 38 हैं, और जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो मेरे पास 9 हैं। तो अगर मैं इन सबको ऐड अप करूँ, 38 प्लस 9 दैट इज़ इक्वल्स टू 47, इसका मतलब ये हुआ कि जो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर है, मतलब 47 से तो कम मेरे पास हो ही नहीं सकते, ये भी उस एजम्पशन के बाद मैं ले रहा हूँ कि जो बच्चे आपके क्रिकेट खेल रहे हैं वो वही हैं जो फुटबॉल में भी हैं, तब भी मेरा आंसर 47 आ रहा है। यकीनन ऐसा अगर ना हो, अगर ये एजम्पशन हम ना लें तो हम 30 भी लेंगे, हम 38 भी लेंगे, हम 9 भी लेंगे, ये भी पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि ये हमने एजम्पशन क्यों ली है, क्योंकि हमें निकालना था लोवेस्ट पॉसिबल। सो द लोवेस्ट पॉसिबल आंसर इज 47 एज पर द कंडीशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और ट्रिकी क्वेश्चन निकाला था मैंने सेट्स का। इट्स जून 2015, पेपर 1-1, क्वेश्चन नंबर 18। इट सेज इन अ ग्रुप ऑफ 25 पीपल, 11 पीपल ओन बोथ अ बाईसाइकिल एंड अ स्केटबोर्ड। तो मेरे पास एक बाईसाइकिल है और एक स्केटबोर्ड है, और जो इनमें स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं, वो हैं मेरे पास 11। सिक्स पीपल ओन नाइदर अ बाईसाइकिल नॉर अ स्केटबोर्ड। तो मैं कह सकता हूँ कि बी यूनियन एस का जो कॉम्प्लीमेंट है वो मेरे पास 6 हो गया। एन पीपल ओन बाईसाइकिल, ठीक है, जो बाईसाइकिल वाले हैं मेरे पास वो एन है। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। अब हमें ये फाइंड करना है कि भाई बाईसाइकिल वाले हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम कितने हो सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं एक वेन डायग्राम से, ठीक है जी। अच्छा जी, उस वेन डायग्राम में हमारे पास क्या कह रहा है, 11 पीपल ओन बोथ अ बाईसाइकिल एंड अ स्केटबोर्ड। तो जो आपके पास, जो मेरे पास ऐसे बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पर तो आएगा मेरे पास 11, और जो कुछ भी ओन नहीं कर रहे वो मेरे पास आएंगे 6, और मुझे ये फाइंड आउट करना है कि बाईसाइकिल कितनों के पास है। तो पोजीशन हम ये कर सकते हैं, हम ये कहें कि जिनके पास बाईसाइकिल है वो हमारे पास ये बाहर वाला है, ठीक है ना, और जिनके पास स्केटबोर्ड है ये अंदर है। तो हम ये कह रहे हैं सबके पास, जिनके पास स्केटबोर्ड है वो बाईसाइकिल वाले भी होंगे, और एन जो है वो सिर्फ बाईसाइकिल वाला हुआ। तो अगर मैं इसको यहाँ रिप्रेजेंट करूँगा तो मैं कहूँगा एन माइनस 11। ये कौन लोग हैं, ये वाले लोग हैं जो मैं शेडेड एरिया कर रहा हूँ, इनके पास बाईसाइकिल है, ठीक है, ये वाले लोग आ गए। तो अगर मैं इन सबको ऐड अप करूँगा दैट सम अप टू 25, तो मैं ये कह सकता हूँ दैट एन माइनस 11 प्लस 11 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 25। कैंसिल हुआ ये, तो एन इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16 दैट इज 19। ये मेरे पास पहला केस हुआ, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है भाई, दूसरा केस ये हो सकता है, दोबारा हम वैसे वेन डायग्राम बनाएंगे, 6 हमारा बाहर आएगा, दो हम लोग जो हैं वो सेट बनाएंगे, एक हम बनाएंगे बाईसाइकिल का और एक दूसरा होगा हमारे पास। लेकिन अब हम ये कहेंगे कि हमारा जो स्केटबोर्ड है वो बाहर है और बाईसाइकिल हमारे पास अंदर है। तो जिनके पास दोनों हैं वो हमारे पास 11 है, ऑलराइट, और उसने ये कहा हुआ है कि जिनके पास बाईसाइकिल है वो हमारे पास एन है, तो स्ट्रेट अवे हमारे पास एन का आंसर आ जाएगा 11। तो आपको यहाँ बोला हुआ है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, सो द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन इज 11 एंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू इज 19। ये आपके आंसर्स हैं।